गुड मॉर्निंग आयज वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक आज है 6 अगस्त और आज है संडे और आज हम रिवीजन करेंगे इस हफ्ते के द हिंदू आर्टिकल में आए हुए कुछ वर्ड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड पहला वर्ड है किक बैक इसका मतलब होता है रिश्वत एलियोर मैन को कहा जाता है किक बैक वैसे किकबैक क्या होता है जो पीछे को झटका लगती है जब बंदूक चलती है तो उस टाइम पर एक पीछे को किक लगती है एक झटका लगता है पीछे को तो वो होता है किक बैक या बाइ किक बैक बाय होते हैं जो पीछे से किए जाते हैं वो भी होता है किक बैक ठीक है तो यहाँ से एक वर्ड बना है क्या रिश्वत अगर कोई पैसा आपको पीछे से मिले जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा इसको कि पैसा कैसा मिल रहा है पीछे से मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा मतलब क्या है रिश्वत दी जा रही है उसे एलोरमेंट दिया जा रहा है तो ये होता है सिनेम होंगे इसके पेमेंट ब्राइब सॉप ये भी इसके सिने में सॉप मतलब क्या होता है रिश्वत को कहा जाता है कुछ और वर्ड हैं जिसका मतलब होता है रिश्वत जैसे क्राफ्ट हो गया बैक हैंडल हो गया हस रिश्वत को कहा जाता है हस तो ये भी क्या है इसके सिनेम हो जाएंगे एग्जाम्पल इसका आई हैड टू ऑफर रजिस्ट्रार आर एस टू लाख रुपयी एज अ किक बैक मुझे जो है रजिस्ट्रार को दो लाख रुपये रिश्वत के रूप में देने पड़े तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगला वर्ड है एक्वियस इसका मतलब होता है स्वीकृति एक्सेप्ट को कहा जाता है एक्वियस जब कोई बिना विरोध के किसी चीज़ को स्वीकार कर ले ठीक है वो होता है एक्वियस जैसे कि पांडवों को कहा जाता है वो कैसे थे एक्वियस टाइप के थे बहुत ज़्यादा ओबीडी ओबीडियंट थे ए बार जो उनसे कह दिया वो उसको स्वीकार कर लेते थे जो उसकी माता उनको कहती थी करने को ठीक है तो क्या बनता था वो बिना विरोध के बिना सवाल के उसको एक्सेप्ट करते थे तो ये होता है एक्वियस जैसे कि इमेज में भी दिख रहा होगा ये बिना किसी सवाल जवाब के सीधे एक्सेप्ट कर दिया उसने ओके 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 एग्री कर दिया ठीक है तो ये होता है एक्वियस सिर में इसके एसेंट नोट एक्सीड ये इसके सिर में एक्सीड में क्या होता है स्वीकार करना या फिर कार्यभार संभालने को कहा जाता है एक्सीड नोड नोड मिस् क्या होता है स्वीकृति एग्री को कहा जाता है एसेंट एसेंट मिस्ट भी क्या होता है स्वीकृति कुछ और सीने में इसके जैसे कंप्लाई हो जाएगा कंप्लाई मतलब क्या होता है जो किसी के जो ओबिडियन टाइप का है ठीक है एकदम से बात मानने वाला है वो होता है कंप्लाई इल्ड होता है इसका मतलब क्या होता है स्वीकृति को कहा जाता है वैसे इल्ड के दो तीन मीनिंग है जैसे क्या है ये नाउन भी है वर्ब भी है तो नाउन में इसका मतलब हो जाएगा फसल जो हम घर पे वो जो खेतों में बोई जाती है वो होता है फसल तो ईल्ड उसको भी कहा जाता है और दूसरा मीनिंग होता है इसका प्रोड्यूस करना ठीक है जो प्रोड्यूस की जाती है उसके बाद तो ये ये एक होता है और तीसरा मीनिंग होता है कि सिर्फ हमने सरेंडर कर देना क्या कुछ कर देना या फिर अपनी हार स्वीकार कर लेना ये होता है हिल्ड तो ये दो तीन वो मीनिंग देता है अगला वर्ड है कंसेंट और इसका मतलब भी क्या होता है स्वीकार को कहा जाता है कनकर होता है इसका मतलब भी क्या होता है कनकर होता है तो ये भी आप ध्यान रखना एग्जाम्पल है इसका स्टीव सीम्ड टू एक्वियस इन द डिसीजन जो ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्टीव है उसने निर्णय को स्वीकार कर लिया है ठीक तो है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगला वर्ड है प्लेंटिव इसका मतलब होता है दुखी सैड को कहा जाता है प्लेंटिव जैसे इमेज में दिख रहा होगा काफ़ी हार्ट रेंडिंग सीन चल रहा है हृदय विदारक सीन चल रहा है ये होता है प्लेंटिव दुखी दुखी वाला सीन अनहैप्पीनेस को कहा जाता है प्लेंटिव सिनेम होंगे इसके मैरन कोहली मोर्नफुल डॉल ये इसके सिनेम है मैरन कोहली होता है उदास को कहा जाता है मॉर्नफुल शोका को कहा जाता है वैसे डॉल इसका मतलब क्या होता है दुखी या सोका कूल को कहा जाता है ठीक है कुछ और वर्ड हैं जैसे वो फूल होगा वो फूल मीनस क्या होता है दर्दनाक को कहा जाता है या फिर दुखी को कहा जाता है वो फूल और डॉलरस इसका मतलब भी क्या होता है आ, दुखी को कहा जाता है कुछ और वर्ड हैं जैसे हार्ट रेंडिंग होगा इसका मतलब क्या होता है हृदय विदारक ठीक है और क्या होता है लुगु होता है इसका मतलब क्या होता है सोकाकूल को कहा जाता है लुगु तो ये भी आप ध्यान रखना एग्जाम्पल है इसका हर वॉइस वॉज अ लिटिल प्लेंटिव उसकी आवाज़ हल्की दुख्यारी थी या सोका कूल थी ठीक है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल बढ़ते हैं आगे तो गाइज़ अगला वर्ड है ओवर सूट इसका मतलब क्या होता है आगे निकल जाना या फिर ओवरटेक को कहा जाता है ओवर सूट जैसे इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे जो लेफ़्ट वाली है वो काफ़ी पीछे रह गई है क्योंकि उसका अभी वो अभी काम स्टार्ट ही कर रही है और जो राइट वाली है वो बहुत आगे निकल चुकी है उसने वो अब टेस्ट कर रही है खाने को तो ये क्या है आगे निकल चुकी है वो तो ये होता है ओवर सूट सिनेम होंगे इसके सरपास ट्रांसेंट एक्सिट ये इसके सिनेम है एक्सिट में क्या होता है आगे निकल जाना ट्रांसेंट पीछे छोड़ने को कहा जाता है किसी को और सरपास सरपास में उसमें क्या होता है पीछे छोड़ना तो ये इसके सिनेम है कुछ और वर्ड हैं जो इसके सिनेम हैं जैसे क्या हो जाएगा आउट परफॉर्म जो बेहतर करे आउट परफॉर्म होता है आउट डू जो बहुत अच्छा करता है आगे निकल गया आउट डू आउट मैच होता है जिसका कोई मैच नहीं है जबरदस्त है वो होता है आउट मैच वैसे आउट गो है जो आगे निकल गया आउट गो वैसे आउट स्ट्रिप है आउट स्ट्रीज स्ट्रिप हो, होता है किसी को पीछे छोड़ना या कोई बहुत आगे निकल गया वो होता है आउट स्ट्रीप किसी के आगे जब आउट लगता है तो इसका मतलब वो बेहतर है ठीक है जैसे आउट स्मार्ट तो इसका मतलब क्या है वो ज़्यादा स्मार्ट है जैसे राहुल इज आउट स्मार्ट रवि राहुल जो है ज़्यादा स्मार्ट है ज़्यादा तेज है किससे रवि से तो आउट किसी के आगे लगे मतलब क्या है बेहतर है एग्जाम्पल है इसका द प्लेन ओवर शोट द रन वे जो प्लेन है वो रनवे से आगे निकल गया ठीक तो है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगला वर्ड है डिस्क्रेशन इसका मतलब होता है समझबूझ विस्टम को कहा जाता है डिस्क्रेशन जिसके बाद सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता है वो होता है विस्टम ठीक है समझबूझ को कहा जाता है हाँ वो होता है डिस्क्रेशन इसके सिनेम होंगे जजमेंट वॉलिसन कौशन ये इसके सिनेम है जजमेंट आप जानते हो न्याय को कहा जाता है न्याय निर्णय वो होता है वॉलिसन वॉलिसन भी क्या होता है जो अपनी मर्जी से कोई निर्णय लेता है वो होता है वॉलिसन इच्छा शक्ति या मर्जी इरादा ये होता है वॉलीसन ये सारे सेंस रहता है ठीक है क्वेश्चन होता है जो सतर्क होता है वो होता है क्वेश्चन तो ये इसके सिने में कुछ और वर्ड हैं जैसे प्रूडेंस होगा इसका मतलब क्या होता है समझबूत को विस्टम को कहा जाता है प्रूडेंस और सरकमस्पेक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है जो काफ़ी ज़्यादा सतर्क है समझदार है वो होता है सरकमस्पेक्शन वैसे एक सरकम लोक्यूसन होता है जो इधर उधर की बातें फेंकता है इधर उधर की बातें करता है वो होता है सरकम लोक्यूसन लेकिन ये क्या है सरकम्सपैक्शन जो काफ़ी ज़्यादा सतर्क है ठीक है वो होता है सरकम्स्पेक्शन एक्यूमैन होता है तीक्ष्ण बुद्धि को कहा जाता है एक्यूमैन और सगेसियस -e या सेगेसियस -e इसका मतलब भी क्या होता है विस्टम बुद्धिमान को कहा जाता है सेगेसिटी और क्या था वेरिनेस होता है डिसर्नमेंट होता है इनका मतलब भी क्या होता है समझबूझ या समझदार को कहा जाता है विस्टम को कहा जाता है वेरीनेस और डिसर्नमेंट तो ये भी आप ध्यान रखना है एग्जाम्पल है इसका अ सेक्रेटरी नीड्स डिस्क्रशन पावर सेक्रेटरी को समझबूझ वाली पावर की जरूरत है ठीक है अगला वर्ड है वारमेंट इसका मतलब क्या होता है शैतान बच्चा या बदमाश को कहा जाता है वॉरमेंट जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये छोटे छोटे कितने शैतानी बच्चे हैं काफ़ी नोटी हैं तो ये क्या है चारों तरफ इन्होंने कलर फैला दिया नीचे भी फैलाया एक दूसरे पर भी फैलाया तो काफ़ी नोटी हैं सरारती हैं तो ये होता है वारमेंट सनेर होंगे इसके मिस चीफ रॉग प्रैंक्स ये इसके सिनेम है प्रैंक्स में क्या होता है मजाक को कहा जाता है जब कोई प्रैंक्स करता है किसी के साथ मजाक करता है शैतानी करता है किसी के साथ वो होता है प्रैंक्स रोग मीस भी क्या होता है रोग थोड़ा सा और ज़्यादा नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है जो बेकार आदमी है शैतान बच्चा है या शैतानी करता है छलकपट वाला है वो होता है रोग मिसचीफ मिसचीफ भी क्या होता है शैतानी को कहा जाता है शरारत को कहा जाता है मिसचीफ ठीक है तो ये हैं कुछ और वर्ड हैं जो आपका जानना जरूरी है जैसे क्या डेवलपमेंट इसका मतलब क्या होता है धूर्त इंसान को कहा जाता है डेवलपमेंट जो क्या है काफ़ी ज़्यादा था, छलकपटी टाइप का है या फिर धूर्त है वो होता है डेवलपमेंट और इम्पिसनेस एम्पिसनेस मीस क्या होता है नटकट को कहा जाता है शरारती को कहा जाता है इम्पिसनेस और क्या था है सैनानीगंज सैनानीगंज मतलब शरारत या छलकपट था था दोनों ही मीनिंग देता है सैनानीगंज और क्या था वेवर्डनेस जो काफ़ी हटी है हटीला टाइप का है होते हैं वेवर्डनेस एक है मंकी uh, बिजनेस या मंकी ट्रिक इसका मतलब क्या होता है शरारती को कहा जाता है आप ऐसा समझ सकते हो जो मंकी होता है बंदर होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है वो शरारती टाइप का होता है इधर से उधर भागेगा तो होता है मंकी बिजनेस या मंकी ट्रिक इसका मतलब क्या होता है शरारत को कहा जाता है एग्जाम्पल इसका दीज लेटेड वर्ड नेवर फेल टू अमेज मी ये जो छोटे शैतानी बच्चे हैं ये मुझे हैरान करने से कभी नहीं चुकते ठीक है ठीक हो जाएगा इसका एग्जाम्पल बढ़ते हैं आगे तो गाइज अगला वर्ड है डिफिडेंट इसका मतलब होता है लज्जा साय को कहा जाता है डिफिडेंट जिसके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है वो होता है डिफिडेंट इसका कॉन्फिडेंट इसका अपोजिट होगा ठीक है आगे अगर सी ओ एन लग जाए तो कॉन्फिडेंट लग जाएगा डी आई एफ के जगह तो कॉन्फिडेंट मतलब क्या हो जाएगा जो समा जो कॉन्फिडेंट है काफ़ी ज़्यादा जो बिल्कुल शर्माता नहीं है और डिफिडेंट इसका अपोजिट है तो डिफिडेंट में क्या होता है जो शर्माता है जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये जो लड़का है ये गर्ल अपनी उस लड़की को प्यार करता है और उससे बात करना चाह रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है वो डर रहा है शर्मा रहा है तो इसलिए उसके दोस्त लोग उसको आगे धक्का दे रहे हैं तो ये होता है डिफिडेंट सिनेम होंगे इसके हेजिटेंट मीक कॉय ये इसका सिनेमा कॉय मिस् क्या होता है डरपोक को कहा जाता है मीक मिस क्या होता है जो विनम्र है और क्या है डरपोक तो भी है जो ठीक है तो ये दोनों ही मीनिंग देता है नम्रता भी है नम्रता वैसे वही दिखाता है जो काफ़ी ज़्यादा डरपोक टाइप का होता है ऐसा भी है और हेजिटेंट हेजिटेंट मिस क्या होता है जिसके अंदर हेजिटेशन है, संकोची को कहा जाता है हेजिटेंट तो ये भी इसका एक सिनेमा है और क्या होता है सीपिस होता है सी पिस मिस भी क्या होता है डरपोक को कहा जाता है एक्चुअली सीपीस कैसे इसको ऐसे लर्न करो जैसे सीप मिस क्या होता है भेड़े को भेड़ को कहा जाता है सीप तो सी पीस मतलब जो भीड़ की वो क्या होती है एक दूसरे के पीछे चलते हैं मतलब आगे चलने से वो काफ़ी डरते हैं जहाँ आगे जा रहा होगा बाकी सारे उसी के पीछे जाएंगे वो खाई में भी गिर रहे होंगे तो उसी के पीछे जाएंगे क्योंकि वो अलग जाने से इतने डरते हैं तो सी पी एस मतलब जो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है तो ऐसे होगा डी मे और सरमाने को कहा जाता है तो ये इसके सिनेमा है एग्जाम्पल इसका ही हैज डिफिडेंस इन एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियंस उसके पास जो है का वो काफ़ी अब वो अपने एक्सपीरियं अपने ओपिनियंस को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है शर्मिला है या डरपोक है ठीक है तो ये हो जाएगा इसके एग्जाम्पल गायज अगर आपको ये वीडियोस डिटेल में चाहिए और ज़्यादा तो आपको डेली देखना चाहिए द दे हिंदू आर्टिकल एक्चुअल मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ाता हूँ और आपको वही फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसमें अच्छी ढंग से हो जाती है और कल्याण भी तभी होगा जब आप डेली इस तरह की, की वीडियो देखोगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड होते हैं एक दिन में आपको सौ से ऊपर वर्ड गो थ्रू होना है आपको हंड्रेड वर्ड आपको एक दिन में देखना है तो सिर्फ़ यही चैनल है जो हंड्रेड वर्ड एक दिन में दिखाता है आपको साफ साफ दिखाता है और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा होता है कम्प्लीटली एग्ज़ाम बेस्ड मैं फालतू तो टुच्ची मुच्छी वर्ड इसमें डालता भी नहीं हूँ ना मैं वो सिने में डालता हूँ सिने में भी होंगे बहुत कम होंगे अगर द हिंदू आर्टिकल में आए हुए हैं तो मैं उसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं उसको आगे रखूँगा और उसको पीछे डालूंगा ये मेरी विशेषता है तो आपको अगर पसंद है आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको ये इसको लगातार फॉलो करना चाहिए ठीक है ये मैं गारंटी देता हूँ अगला वर्ड है चर्लिस इसका मतलब क्या होता है अखड़ रूट को कहा जाता है चर्लिस जो कैसा टाइप का है काफ़ी अशिष्ट टाइप का ये एक दूसरे को जीव दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है ये लोग चर्लिस टाइप के अखड़ टाइप के रूड टाइप के हैं या फिर अशिष्ट टाइप के हैं ठीक है सिनेम हो जाएंगे इसके जैसे और नरी बार बरी के इसके है वैसे जो चर्लिस है ये चिड़चिड़ेपन का भी सेंस देता है जो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा है गर्म भी है क्रोधित हो जाता है जो ऑर्नरी मतलब क्या होता है क्रोधित होना गुस्सा होना बार बार एक जो क्रूर टाइप का है तो ये सारे गंदे न्यू वो देता है सिनेम में सेंस देता है चर्लिस ठीक है आ, रूड टाइप का या बार बार एक मतलब क्रूर टाइप का ये भी देता है ऑर्नरी जो गुस्सेबाज है इसके कुछ और सनेम है जैसे क्या हो जाएगा अनकूत हो जाएगा बदतमीज को कहा जाता है अनकूत और फिलस्टीन इसका मतलब क्या होता है असिस्ट को कहा जाता है फिलस्तीन और क्या था क्रैश क्रैस मिस क्या होता है जो ठस दिमाग का है मतलब अजीब टाइप का है वो होता है क्रैश इल ब्रेड होता है इल ब्रेड होता है जो असिस्ट टाइप का है वो होता है एडजेक्टिव है ये भी इल ब्रेड तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो कुछ और बताता हूँ मैं जैसे कि अनसिविलाइज हो जाएगा ये भी इसका एक सिनेम होगा और क्या हुआ अनकल्चर्ड अनपॉलिस्ड अनरिफाइंड ये इसके सिनेम में आएंगे अनडेलिकेट डेलीकेट मिस्स क्या होता है जो काफ़ी नरम टाइप का है और इनडेलिकेट जो क्या है काफ़ी क्रू टाइप का है बिल्कुल नरम न जिसके अंदर नहीं है तो ये भी इसका एक सिनेम होगा आ, इसके वो देखते हैं एग्जाम्पल इट सीम्ड चर्लिस टू रिफ्यूज हिज इन्विटेशन ये जो है काफ़ी रूड होगा या बेकार होगा या अनसिविलाइज होगा अगर हमने उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया ठीक है तो यह हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगला बढ़िया ट्रवेल इसका मतलब क्या होता है कड़ी मेहनत हार्डवेयर को कहा जाता है ट्रवेल इमेज में दिख रहा होगा कोई लैपटॉप पे लगा हुआ है कोई पढ़ा रहा है कोई पढ़ रहा है ये सारे हार्ड वर्क में आते हैं ठीक है कड़ी मेहनत में आते हैं तो ये होता है ट्रेवल इसके सिनेम है ड्रजरी इनकम्बरेंस टॉयल ये इसके सिनेम है ड्रजरी में इसका होता है एक्चुअली जो अरुचिकर कार्य होता है वैसे जो कड़ी मेहनत होती है वो अरुचिकर तो होता ही है क्योंकि उसमें मेहनत लगती है हार्ड वर्क लगता है दिमाग लगता है तो अरुचिकर तो होता ही है तो ये कड़ी मेहनत भी है और अरुचिकर भी होता है और इनकम्बरेंस काफ़ी कड़ी मेहनत को कहा जाता है टॉयल टॉयल में इसमें क्या होता है कड़ी मेहनत वैसे एक और वर्ड होता है मॉइल टॉयल मॉयल भी क्या होता है कड़ी मेहनत फेग होता है जिस जो आपको थका दे इस टाइप की कड़ी मेहनत को कहा जाता है फेग और लेबर लेबर में होता है मजदूर भी होता है और मेहनत करने भी को भी कहा जाता है ये नाउन भी है वर्ब भी, भी है ध्यान रखना इसका लेबर का और स्लॉग स्लॉग में क्या होता है कड़ी मेहनत एग्जर्सन हार्डशिप ये भी इसके सिनेमा है ये भी ध्यान रखना एग्जाम्पल है इसका ही गेंड द मेडल थ्रो हिज पेनफुल ट्रेवल उसने मेडल प्राप्त किया कैसे दर्द ना कड़ी मेहनत से ठीक है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल बढ़ते हैं आगे तो गाइज अगला वर्ड है सेपेंड इसका मतलब होता है बुद्धिमान वाइज को कहा जाता है सेपेंड तो शायद से ये हमने पिछले उसमें पढ़ा था ये कुछ ऐसा था बुद्धिमान आ रहा है क्या था वो डिस्क्रेशन हाँ इसका मतलब क्या था विजडम को कहा जाता है तो वो भी इसका एक सैनम है ये फिर से आपका रिवाइज हो गया तो ये देखते हैं सेपेंड ये क्या था जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है होमोसेपेंस की डेवलपमेंट वो दिखा रहा है किस तरीके से होमोसेपन्स आगे बढ़ा तो होमोसेपन्स क्या होता है इंसान को कहा जाता है होमोसेपन्स होमो मतलब क्या होता है प्रजाति को कहा जाता है स्पिसज को कहा जाता है होमो और सेपेंस में क्या होता है बुद्धिमान ये वाइज को कहा जाता है तो सबसे वाइज स्पेसीज कौन सी है सबसे वाइज प्रजाति कौन सी है अपकोर्स इंसान की है तो इसलिए कहा गया कि इंसान जो है क्या है सेपेंस से सेपियंस से इसलिए रखा गया होमोसेपियस इंसान का नाम तो ये होता है मतलब वो सबसे बुद्धिमान है इसके सिनेम है जूडिसस सैन सगेसियस ये इसके सिनेमा है जूडिसियस क्या होता है समझदारी को कहा जाता है विवेकपूर्ण को कहा जाता है सैन सैन में इसमें क्या होता है विवेकपूर्ण होता है जो विचारशील होता है वो होता है सैन सगेसियस बुद्धिमान ये सारे एक ही हैं सिनेमा इसके प्रूडेंस होता है इसके कुछ और है एक्यूट तीक्ष्ण बुद्धि को कहा जाता है प्रूडेंस समझदार बुद्धिमान रैशनल तर्काशील इंसान को कहा जाता है और ये इसके सिनेम हो जाएंगे एग्जाम्पल इसका इफ़ यू फॉलो माई सेपियंट एडवाइस यू विल बी श्योर टू सक्सीड अगर तुम मेरी बुद्धिमता वाली एडवाइस को परामर्श को फॉलो करोगे तो तुम डेफिनेटली सक्सीड हो जाओगे सफल हो जाओगे ठीक है तो यह है इसका मीनिंग अगला वर्ड है मजल इसका मतलब क्या होता है मुख जाली माउथ कवर को कहा जाता है मजल जैसे इमेज में दिख रहा होगा इसे कहा जाता है मजल ये नाउन भी है वर भी है नाउन में क्या होगा जो एक जाली है इसे कहा जाएगा मजल और वर्व में क्या हो जाएगा किसी का मुंह बंद करने को कहा जाता है मजल या किसी को बोले ना देना वो होता है मजल तो ये दोनों ही मीनिंग देता है इसके सनेम होंगे रिस्ट्रेंड सब ड्यू सप्रेस ये इसके सिनेमा है रिस्ट्रेंड में क्या होता है किसी को रोकना किसी को आगे बढ़ने से रोकने को आ जाता है रिस्ट्रेंड और सब ड्यू सब ड्यू में इस क्या होता है किसी को दबाना सब प्रेस इसका मतलब क्या होता है किसी को दबाना ये इसके सिनेमा है कुछ और सनेम होंगे इसके जैसे चौक होगा मतलब गला दबाने को कहा जाता है या किसी को दबाने को कहा जाता है गला घोटने को कहा जाता है चौक और दूसरा में नहीं किया है किसी को दबाने को भी कहा जाता है ठीक है और गैग होता है गैग में क्या होता है किसी का मुंह बंद करने को कहा जाता है गैग एक्चुअल में जो इमेज में दिख रहा होगा गैग इमेज से एक्चुअली हर एक चीज़ साफ हो जाती है गैग एक्चुअली ये है जो यहाँ पर दिख रहा होगा इसके मुँह पर जो लगा हुआ है ये होता है गैग तो ये होता है स्टाइफल स्टाइफल में क्या होता है किसी का दम घोटना ये होता है और सेंसर माफल ये भी इसके सने में है इनका मतलब क्या होता है सेंसर में क्या होता है कांझहाट को कहा जाता है या फिर रोक को कहा जाता है किसी पर अगर रोक लगा दी गई है तो होता है सेंसर ठीक है सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा वो क्या करता है मूवियों पर रोक लगाता है उनको आगे बढ़ने नहीं देता या कई बार उस पर छाँट बाँट करता है कि इसमें पहले ये ठीक करके लाओ तो इस तरीके से ये वर्ड बना है और मफल मफल में इस क्या होता है किसी का आ, किसी को कुछ बोले ना देना ये होता है मफल एग्जांपल हो जाएगा इसका गवर्नमेंट ट्राई टू मजल दी अपोजिशन गवर्नमेंट जो है जो उसके विरोधी हैं जो विपक्ष हैं उसको आ, बोले नहीं दे रही या उनको रोकने की कोशिश कर रही है ठीक तो है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगला वर्ड है रैंकल रैंकल मेंस क्या होता है चुभन या हर्ट को कहा जाता है रैंकल जो चीज़ आपको चुभा दे मतलब जो आपको दर्द दे दे जो आपको हर्ट करे वो होता है रैंकल ठीक है सिनेम होंगे या आपको गुस्सा दिला दे वो होता है सिनेम हो जाएंगे इसके पियर्स फ्रैट एनआई नार्क ये इसके सिनेम है पियर्स मेंस क्या होता है छेद करने को कहा जाता है जैसे पियर्सिंग होती है कानों में छेद करने वाली पियर्सिंग मतलब कान में छेद करना तो वैसे पियर्स मतलब छेद करना होता है किसी को चुभाना होता है पियर्स फ्रैट फ्रैट मीस क्या होता है किसी को गुस्सा दिलाना एन ओ एन ओ भी क्या होता है गुस्सा दिलाना नार्क नार्क मीनस भी क्या होता है गुस्सा एंग्री को कहा जाता है नार्क तो ये क्या है इसके सिनेमा कुछ और वर्ड हैं गुस्से के लिए जो बोलते हैं जैसे गोल हो गया फेस्टर हो गया इनका मतलब ये क्या होता है गुस्से को कहा जाता है एंग्री को कहा जाता है चैफ इर्ख रॉल ये भी अच्छे सिनेमा है इसके चैफ मीस क्या होता है गुस्सा आना इर्ख रॉल जो आपको चिड़ा दे वो होता है इर्ख रॉल मीस भी क्या होता है चिड़ने को कहा जाता है एक एडियम बताता हूँ मैं आपको गेट ऑन यूअर नर्व्स इसका मतलब क्या होता है चिड़ जाने को कहा जाता है तो ये भी आप ध्यान रखना एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ही वॉज रैंकल्ड बाई हिज राइवल्स सडन सक्सेस वो जो है अपने जो राइवल्स हैं जो उसके विरोधी हैं उनके जो अचानक से जो सफल हुए उससे वो क्या काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ या वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया या काफ़ी ज़्यादा चिड़ गया ठीक है सारे में उस सेंस देता है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल बढ़ते हैं आगे तो गाइज अगला वर्ड है रिकॉन्डाइट इसका मतलब क्या होता है गुप्त दुर्बोध या डिफिकल्ट को कहा जाता है रिकॉन्डाइट जैसे इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है ये कुछ लिखे गए हैं कुछ गुण, गुण, मैथमेटिक्स के लिखे गए हैं जो हर किसी के समझ में नहीं आ रहे ये कैसे हैं जो इसमें इस लिस्ट होगा वही जान पाएगा जो मैथमेटिक्स होगा वही समझ पाएगा या फिर कई सारे क्रिप्टिक मैसेज होते हैं क्रिप्टिक मैसेज क्या होते हैं जो गुप्त मैसेज होते हैं जिन्हें सिर्फ कई बार क्रिप्टिक मैसेज क्या होते हैं जो गुप्त मैसेज जैसे कि आतंकवादी भेजते हैं क्रिप्टिक मैसेज या फिर जो एजेंट होते हैं वो एक दूसरे को भेजते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है वो सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं अगर कोई जासूस है तो जासूस समझ पाएगा उस क्रिप्टिक मैसेज को जैसे आतंकवादी है तो आतंकवादी ही समझ पाएगा उस क्रिप्टिक मैसेज को तो इस तरीके की चीज़ों को बताता कहा जाता है रिकॉन्टेक्ट जो गुप्त है दुर्बोध है जो हर किसी के समझ में ना आए डिफिकल्ट है इसके सिनेम होंगे एप्स क्रिप्टिक मिस्टिकल ये इसके सिनेमे मिस्टिकल मतलब रहस्यमय क्रिप्टिक जो बता दिया मैंने आपको एप्स इसका मतलब क्या होता है जो डिफिकल्ट है या फिर जो समझ में दिक्कत है अस्पष्ट टाइप का है वो होता है एप्स तो ये क्या है इसके सिनेमा कुछ और सिनेरमे है जैसे ऑप्शक्योर अस्पष्ट को कहा जाता है कैबल इसका मतलब क्या होता है डिफिकल्ट या जो काफ़ी रहस्यमई टाइप की है जो आपके समझ से परे हैं वो होता है कैबल और इजोटेरिक आर केन इनका मतलब क्या होता है जो मिस्टिकल है मिस्टिकल मतलब रहस्यमई टाइप की है वो होता है इजोटेरिकट मतलब जादुई टाइप का आर केन आर केन क्या होता है रहस्य को कहा जाता है तो ये इसके सिनेरमे है एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सच टेक्नोलॉजीज आर वेरी रिकॉन्टाइट जो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है ये कैसी हैं काफी डिफिकल्ट है या दुर्बोध हैं समझने में थोड़ी दिक्कत है इनमें ठीक है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगला वर्ड है बुलिस इसका मतलब क्या होता है आशावादी होपफुल को कहा जाता है बुलिस जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये बुलिस है एक होता है बियरिस बियरिस में क्या होता है निराशावादी और बुलिस क्या होता है आशावादी जो बुलिस होता है ये एक्चुअली शेयर मार्केट से रिलेटेड है हमारा जो शेयर मार्केट है वो उसे कहा जाता है बुलिस और वो बियरिस पर जब बुलिस होगा तो शेयर मार्केट क्या होगा ऊपर जाएगा और जब बियरिस आएगा तो मतलब नीचे जाएगा तो उस टाइम पे लोगों को घाटा होने वाला है तो ये होता है बियरिस और बुलिस तो बुलिस में क्या है आशावादी को कहा जाता है और बियरिस जब डाउन हो तो इस तरीके से समझो आप ये बुल है यहाँ पर दिख रहा होगा अब इस, इसके सिनेमें देखते हैं बायोन्ट सेंगविन ऑप्टिमिस्टिक ये इसके सिनेमा है बायोटम क्या होता है जो काफ़ी ज़्यादा उत्साही है वो होता है सैंग्विन आशावादी को कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक जो काफ़ी ज़्यादा आशावादी है या फिर जो पॉजिटिव चीज़ों को देखता है वो होता है ऑप्टिमिस्टिक आशावाद और कुछ और सिनेमा है इसके जैसे ऑस्पियस होगा प्रोपीसी ये भी इसके सिनेमा है दोनों का मतलब क्या होता है आशावादी और एक और वर्ड था प्रोमिसिंग प्रोमिसिंग में भी क्या होता है प्रोमिसिंग जो आशावादी होता है जैसे बहुत सारे लीडर होते हैं जो क्या है प्रोमिसिंग नेचर के हैं जैसे कि मोदी जी हैं उनको कहा जाता है कि वो काफ़ी प्रोमिसिंग टाइप के हैं को प्रोमिसिंग नेचर के हैं प्रोमिसिंग मतलब यहाँ पर वादा नहीं है इसका मतलब क्या है आशावादी टाइप के हों वो जो है चाहे कैसी भी कंडीशन होगी वो हर चीज़ में इतने कितने साल के वो पचहत्तर साल के होने वाले हैं और इस एज में भी काफ़ी ज़्यादा आशावादी हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं तो ये होता है प्रोमिसिंग अगर इसका एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन अबुलिस मूड जो प्राइम मिनिस्टर है जो मोदी ये मोदी बोल रहा हैं जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या हैं काफ़ी होपफुल उसमें है मूड में है या आशावादी मूड में है ठीक है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगला वर्ड है कंटेम्पलेट इसका मतलब क्या होता है चिंतन करना थिंक को कहा जाता है कंटेम्पलेट इमेज में दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है तो ये होता है कंटेम्पलेट करना सिनेम होंगे इसके ब्रूड पोंडर मेडिटेट ये इसका सिनेम है ब्रूड मीन्स क्या होता है जब आप ब्रूड और पोंडर दोनों का मतलब क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा गहरे चिंतन में होते हो वो होता है ब्रूड और पोंडर ठीक है आप गहन उसमें हो या डीप थॉट में हो वो होता है कुछ और सिन्म में इसके है जैसे म्यूज स्पेकुलेट ये भी इसके सिने है स्पेकुलेट में क्या होता है अंदाज़ा लगाना जैसे आप किसी चीज़ का स्पेकुलेट लगा रहे हो स्पेकुलेशन लगा रहे हो अंदाज़ा लगा रहे हो विचार कर रहे हो वो होता है स्पेकुलेट स्पेकुलेशन वैसे इसका नाउन फॉर्म है ठीक एक और है फ्रेज है क्या मल ओवर मल ओवर में इस भी क्या होता है चिंतन करना किसी के बारे में ठीक है वो होता है मल ओवर और एक्स कोजिटेट होता है कोजिटेट भी होता है इन दोनों ही होता है एक्स कोजिटेट और कोजिटेट चिंतन को कहा जाता है ठीक है जो सोच विचार होता है एक वर्ड है रूमिनेट और क्या था च्यू ओवर इन दोनों का ही मतलब क्या होता है सेम होता है वैसे जुगाली करना भी होता है और दूसरी बात क्या है इसका डीप थाट को भी कहा जाता है र्यूमिनेट और च्यू ओवर ठीक है जुगाली करना भी होता है पहला मीनिंग और दूसरा मीनिंग क्या है जो डीप थाट होता है बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है वो होता है र्यूमिनेट और च्यू ओवर थिंक ओवर होता है इसका मतलब क्या होता है सोचने विचारने को आ जाता है ठीक है एग्जाम्पल हो जाएगा ही वॉज कंटेपलेटिंग बाइंग अ न्यू कार वो न्यू कार खरीदने के बारे में सोच रहा था ठीक है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगला वर्ड है एनोडाइन इसका मतलब होता है कीड़ानाशक पेन किलर को कहा जाता है एनोडाइन दवाई को कहा जाता है या मेडिसिन या जो ड्रग्स हैं ड्रग्स मतलब दवाई को कहा जाता है ये भी नस्ली पदार्थ होता है ये साथ में दवाई भी को भी कहा जाता है ठीक है तो एनोडाइन मतलब कीड़ानाशक है जो जो आपके दर्द को कम कर दे इनोकोएस पेलीटिव एनल ये इसके सिनेमा है इनोकोएस में क्या होता है हार्मलेस को कहा जाता है जो आपको दर्द ना दे या फिर जो क्या है आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है ठीक है वो होता है इनोकुअस और पेलीटिव जो शांत करने वाला है ठीक है दर्द कम करने वाला है पेलीटिव और एनर्जेसिक इसका मतलब क्या होता है दर्दनाशक को कहा जाता है ठीक है तो ये इसके सिने में है कुछ और वर्ड हैं जैसे नार्कोटिक नार्कोटिक मतलब क्या होता है नशीली पदार्थ होता है ये साथ में इसका मतलब क्या होता है जो आपकी पीड़ा को कम कर दे तभी तो लोग नार्कोटिक लेते हैं मतलब ऐसी चीज़ें लेते हैं ये आपके दर्द को कम कर देते हैं तो ये होता है सीरेटिव होता है इसका मतलब शांत करने वाला एक्सटिंग्विशर मिटिकेटिव इनका मतलब ये क्या होता है शांत करने वाला एक्सटिंगसर वैसे क्या होता है किसी भी चीज़ को कम कर देने को कहा जाता है एक्टिंगसर जो आपके दर्द को कम करे या आग को कम करे आग बुझाते वो होता है एक्सटिंगसर तो ये सारे सब चीज़ों के लिए यूज होता है मिटिगेटिव जो किसी चीज़ को कम कर दे किसी की इंटेंसिटी को कम कर दे आप दर्द में हो उसे कम करना आप पीड़ा में हो उसे कम करना ये होता है मिटिगेटिव ठीक है अगला वर्ड है ये एग्जाम्पल देखते हैं इसका ही टू सम एनोडाइन टू रिलीव द पेन उसने दर्द को कम करने के लिए या उससे राहत पाने के लिए कुछ दवाइयाँ ली ठीक है या पीड़ानाशक चीज़ें ली तो ये हो जाएगा अगला वर्ड है इम्परवियस इसका मतलब क्या होता है अभेद्य इम्पेनिट्रेबल को कहा जाता है इम्परवियस जो अभेद्य है जैसे कि ये इमेज में दिख रहा होगा ये जेल है ये अभेद्य है ये बाहर नहीं जा सकते अब यहाँ से फंस चुके हैं ठीक है थीके? सिनेम होंगे इसके इनएक्सेसिबल इम्परमिएबल इम्यून टू ये इसके सिनेम है इम्यून टू मतलब जो प्रतिरोधक चीज़ों से सुरक्षित है प्रतिरोधक मतलब जिसके प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है जो मतलब बीमारियों से इम्यून है वो होता है सुरक्षित है वो होता है इम सुरक्षित को कहा जाता है यह अभेद्य को कहा जाता है और इनएक्सीबल जहाँ पहुँच जहाँ आपकी पहुँच नहीं जा सकती एक्सेसिबल मतलब आप पहुँच सकते हो और इनएक्सेबल जहाँ तक आपकी पहुँचनी अभेद्य है ठीक है तो ये हो जाएगा इसके कुछ और सिने में जैसे क्या हो जाएगा प्रूफ अगेंस्ट अगेंस्ट मतलब क्या होता है विरोध तो जिसका कोई विरोध ना कर सके अगर आगे किसी के आगे आगे प्रूफ लग गया है या पीछे लग गया है तो इसका मतलब क्या हो उसका विरोध हो जाए उसका उल्टा हो जाएगा जैसे क्या वाटर होता है तो जो पानी से बचाए वाटर प्रूफ वॉच सुना होगा आपने वैसे ही आपने बुलेट uh, प्रूफ देखा होगा तो इसका मतलब क्या है जो बुलेट से बचाए वैसे अगेंस्ट नहीं यहाँ पे तो आगे प्रूफ लगाए जो किसी के विरोध से बचे वो होता है प्रूफ अगेंस्ट तो ये भी इसका एक सिनेम है और अनरिसेप्टिव होगा अनरिसेप्टिव टू अग्रहणशील को कहा जाता है अनरिसेप्टिव रिसेप्टिव मतलब जिसे ग्रहण किया जा सके और जिसे ग्रहण ना किया जा सके वो होता है अनरिसेप्टिव टू तो ये भी इसका एक सिनेम है अनसुएबल होगा अनसुएबल सुएबल मिस क्या होता है uh, मिस क्या होता है किसी को धक्का देना सुएबल जिसे धक्का दिया जा सकता है और अनसुएबल जिसे धक्का नहीं दिया जा सकता ठीक है मतलब जिसे भेदा नहीं जा सकता तो ये भी एक इसका एक सीम दे रहा है और इन वालेबल वल्नरेबल मतलब जो कमजोर है इनवलरेबल जो काफ़ी मजबूत है ठीक है जिसको हराया नहीं जा सकता तो ये भी होगा इसका एग्जांपल है ही वॉज कम्प्लीटली इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म वो जो है क्रिटिसिज्म का क्या था पूरी तरीके से इम्परवियस था जिस पर क्या है आलोचना का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है तो ये हो जाएगा अगला वर्ड है एस इसका मतलब होता है नासमझ फुल इसको कहा जाता है एस एस एन आइन जो कैसा है स्टूपिड है बेवकूफ है वो होता है एस एन आइन जैसे इमेज में दिख रहा होगा एक्चुअली जो जिसने भी ये कार्ट में ये इतना सारा लोड डाला उसे कहा गया है एसेनाइन मतलब बेवकूफ़ इंसान कहा गया है उसे क्योंकि उसने इतना सारा लोड डाल दिया कि वो घोड़ा भी उठा नहीं पाया उसको तो ये होता है एस एनाइन इसके सिरेम होंगे डॉट इस रेडियोकुलस एडियोटिक ये इसके सिरेम है डॉटिस में होता है स्टूपिड मूर्ख को कहा जाता है रेडिकुलस जो हास्यास्पद है बेतुका है या फिर जो फुलिस टाइप का है वो होता है ए रेडियोकुलस एडियोटिक स्टूबिट को कहा जाता है तो ये क्या है इसके सिने में कुछ और सिनेम बता दो तो मैं आपको जैसे थिक विटेड होता है थिक हेडेड होता है इसका मतलब क्या होता है मोटी बुद्धि वीट मीन्स क्या होता है बुद्धि को कहा जाता है और थिक विटेड जिसकी मोटी बुद्धि है ठीक है वैसे थिक हेडेड होता है मोटी बुद्धि डम हेडेड होता है जो मंद बुद्धि है वैसे हाफ विटेड होता है जो अल्प बुद्धि है मोरोनिक इम्बेसलिक ये भी इसके सिने इनका मतलब ये क्या होता है फुल को कहा जाता है मोरोनिक और इम्बेलिक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इट इज़ एन एस नाइन डिस्कशन uh, ये एक मूर्खों वाला डिस्कशन है ठीक है तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल गाइज अगर आपको अच्छे से वॉकैब पूरी करनी है तो आपको द हिंदू आर्टिकल को डेली सुनना चाहिए जो मैं डेली लेके आता हूँ मैं सुबह पाँच बजे डाल देता हूँ उसे पाँच तीस के लगभग लगभग तक पड़ जाता है वो तो अगर आपको वो कैब सुधारनी है तो आप उसको देखो और मॉर्निंग में डेली कई आदत डाल दो क्योंकि वॉकैब लर्न करना इतना आसान नहीं है मैं तो सारे वर्ड आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप एक एक बार ये वर्ड देख लो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने ये वर्ड आए तो आपको लर्न हो जाए एक ही बार में किसी को ये याद नहीं होगा ये मैं गारंटी देता हूँ मैं मेरे को भी कभी याद नहीं हुआ जब बहुत बार देखते हैं तब जाके माइंड में वो फिट होता है तो मैं इसलिए इतने सारे वर्ड आपके सामने लेके आता हूँ ताकि जब लर्न करने की बारी आए तो आपको एकदम से याद हो जाए सेकेंड टाइम पर तो गाइज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू लाइक द वीडियो